रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांडेय ने कोसी कला रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर थाने व बैरक का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ खामियां मिली, जिसको देख सुरक्षा आयुक्त नाराज नजर आए। उन्होंने जल्द खामियों को सुधारने के निर्देश दिए। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त बुधवार शाम को अचानक कोसी कला रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कोसी कला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाना एवं बैरक का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ खामियां पाई गईं, जिसे देख सुरक्षा आयुक्त ने सभी को आदेशित करते हुए खामियों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। श्री पांड्या ने बताया कि ये विभाग का साल में वर्किंग निरीक्षण होता है, जिसमें दूसरे विभागों के आसपास सुरक्षा की जानकारी ली जाती है। थाने के रजिस्टर वगैरह भी चेक किए गए, जो सही पाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात प्रभारी एवं सहयोगियों से वार्ता की गई, तो वह भी सही मिला। जो कुछ कमियां थी उनको जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल KB शुक्ला के साथ दर्जनों अधीनस्थ मौजूद रहे। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांड्या ने जानकारी देते हुए यह बताया। ये वार्षिक निरीक्षण का एक पार्ट रहता है हमारा, हर हम पोस्ट का, आउटपोस्ट का, रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करते हैं। उसके तहत बेसिक सिक्योरिटी सिनारियो स्टेशन का, एक्सेस कंट्रोल और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, आसपास के एरिए की सिक्योरिटी से संबंधित जानकारी, इसके अलावा जो हमारे पोस्ट में जो हमारी वर्किंग से संबंधित रजिस्टर्स होते हैं उनकी चेकिंग और बैरक की स्थिति, इन सब चीज़ों का मुआयना करते हैं। तो ये उसी मुआयने का ही एक पार्ट था, इसमें आज यहाँ पे पोस्ट का निरीक्षण किया गया है, सभी रजिस्टरों को चेक किया गया। अच्छी बात है कि सभी रजिस्टर्स अपडेटेड थे और बैरक की पोजीशन देखी गई, कुछ उसमें खामियाँ दिखी हैं, उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को लेटर लिखा जाएगा। जो कोसी कला की क्राइम से संबंधित चीज़ें हैं उसके लिए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि उनमें जो भी आवश्यक सुधार हैं उन सुधारों को किया जाए, तो निरीक्षण इसी संबंधित था।